खबर यूपी के जनपद चंदौली से, जहां सदर ब्लॉक परिसर में आज दीपावली के पर्व को लेकर महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करने के लिए गांव की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए दिए और दीपावली की अन्य सामग्री को बेचने के लिए आजीविका मिशन के तहत लघु उद्योग कार्यक्रम में समूह की महिलाओं ने दीपावली पर्व पर देसी चीजों को बेचा। वही हम आपको बता दें कि महिलाएं अपने घर पर ही मिट्टी के दिए बनाकर कलर करके मार्केट में भेजती हैं और सस्ते दामों पर बेचती हैं, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण होता है, जिससे सभी महिलाओं स्वरोजगार के प्रति जागरूक हो सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। चंदौली से अमित कुशवाहा की रिपोर्ट। मैं ब्रजेश कुमार सिंह, सहायक विकास अधिकारी पंचायत सदर चंदौली। सदर ब्लॉक परिषद में आज मेला लगा, किस चीज़ का है ये? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो समूह की महिलाएं हैं, ये अपना प्रोडक्ट बनाती हैं और स्वयं साथ में बेच रही हैं। सामने जो आपको दिख रहा है बिल्कुल स्वदेशी है ये। आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोगों को अपने देश की चीज़ खरीदना चाहिए और चाइनीज नहीं खरीदना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल स्वदेशी ही उपयोग करें और चाइनीज का बहिष्कार करें। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। सदर ब्लॉक परिषद में यहाँ पे लगा है, किस चीज़ का मेला लगा है? जी, समूह के द्वारा, हम डोडा से हैं, अपना डोडो के एथी से हम समूह में रहते हैं। ये समूह के हिसाब से हम लोग ये बिक्री कर रहे हैं। इसमें क्या क्या है? दिया है, मोमबत्ती वाला दिया है, पानी वाला ख़त्म हो गया है तो बैटरी से। इसमें पैसा कैसे, कहाँ से आता है पैसा? ये समूह के द्वारा मिल रहा है, अपना उसी से हम लोग जीविका चल रहे हैं। अच्छा। 100-100 रुपया पहले हम लोग जमा कर रहे हैं डोडा में, तो 4-5 साल से हमारा समूह चल रहा है। हम लोग इसी में परिवार, आप लोग परिवार हम लोग इसी में चल रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं। भाई कोई सरकारी कोई काम नहीं है हम लोग को, अपना जैसे हो रहा है वैसे हम लोग चल रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही से, जहाँ नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने कहा कि गुजरात के राजकोट में आयोजित 3 दिवसीय कॉन्क्लेव में भदोही नगर पालिका परिषद को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रदर्शन करने पर दूसरा पुरस्कार मिला। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उक्त बातें नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने शुक्रवार को नगर के रामसरायपुर मोहल्ले में स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। देखें ये रिपोर्ट। गुजरात के राजकोट में आयोजित 3 दिवसीय कॉन्क्लेव में भदोही नगर पालिका को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली नगर पालिका परिषद की श्रेणी में दूसरा स्थान से पुरस्कृत किया गया है। बड़े ही गर्व की बात है कि आपने पूरे भारत में भदोही को रिप्रेजेंट किया है, क्या कहेंगे? हम भदोही नगरवासी की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास का फायदा लिया और गुणवत्ता के आधार पर भदोही बना हुआ है जी। इसकी जांच हुई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांच करवाया है। पूरे भारत में भदोही नगर पालिका परिषद द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने नगर के जनपद के सभी लाभार्थियों को, सभी जनता को दीपावली के शुभ अवसर बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई और शुभकामना, जिन्होंने गुणवत्ता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास का उपयोग किया। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात बुलाकर हमारे ईओ पीओ डूडा और जिलाधिकारी महोदय आर का गौरी को बुलाकर सम्मानित किया। सर, कितने आपके नगर पालिका अंतर्गत कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है प्रधानमंत्री आवास? लगभग 18,000। सर, आपके लिए चैलेंज और 16,000 फाइल मेरी पड़ी हुई है जी। ये भी एक नंबर पर एक महीने में भी आ जाएगा प्रथम किस्त। सर, आपके लिए चैलेंज और मालिक ने चाहते एक महीने के अंदर उसमें 50,000 रुपये सबकी प्रथम किस्त आ जाएगी। सर, आपके लिए चैलेंज और बढ़ जाता है जब आपके नगर पंचायत में लगभग 28 गांव बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक गांव में जिस तरह से आप इंटरलॉकिंग की व्यवस्था हो, चाहे वो नाले की व्यवस्था कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हमको भदोही नगर वासियों ने हमें जिम्मेदारी सौंपा है। मैं उस जिम्मेदारी को देखते हुए 2 साल तो मेरा कोरोना निकल गया, बचा 3 साल। 3 साल में अभी 2 महीना बाकी भी है, लेकिन फिर भी मैंने जो भी कार्य किया अच्छा किया। हर कोई, जो भी कोई मेरे पास आया, मैंने किसी को निराश नहीं किया, किसी को वापस नहीं किया। हर आदमी का काम किया, हर आदमी के दुख सुख में रहा हूँ। जो 28 गांव बढ़े हुए हैं, सब 2800 गांव में समरसेबल लगा हूँ, 500 मीटर पाइप लाइन बिछा रहा हूँ, और जहाँ भी दिक्कत आई है इंटरलॉक नाली सड़क भी बनाए हैं। बहुत ज्यादा नहीं बना पाए हैं, लेकिन जहाँ इमरजेंसी थी वहाँ कराए हैं। सर, हर 2800 ग्राम में 30, 40, 50, 25, 55, 60
लाइट लगवाया हमने कि गांव में रोशनी हो जाए और सब चमक रहा है। गांव वाले बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। आप लोगों ने हमको सेवा का मौका दिया है, इसका फायदा मैं उठा रहा हूं। आप लोगों को हर योजना का लाभ देता रहूंगा। मुझे चुनाव मेरा करीब है, हो सकता है अभी जल्दी नवंबर लास्ट में या दिसंबर हो जाए। सभी भदोही नगरवासियों से मेरा अपील है, मुझे एक बार पुनः चेयरमैन बनाने की कोशिश करें और चेयरमैन बनाए। सर भदोही जनपद, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई। सर एक बार पुनः मौका मिल जाए, जो कमी मेरे में उसको मैं पूरा करूंगा। सर भदोही जनपद में एक चर्चा का विषय रहता है आपके जनता दरबार को लेकर, लगभग 100 से अधिक फरियादी प्रत्येक दिन आते हैं आपके यहाँ, 9 से 11 जनता दरबार लगता है, आप उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं? जब से मैं जीता हूँ मैं सुबह डेली 9 से 11 या 8 से 10 दो घंटा डेली जनता दरबार देखता हूँ और हर आदमी को कार्य करता हूँ। हमारे यहाँ सैकड़ों संख्या में लोग आते हैं रोज, सबका मैं कार्य किया हूँ। दिवाली है सर सामने, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार, बधाई सभी जनता वासियों को, सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना दीपावली की, धनतेरस की, और ये जो हमारा प्रधानमंत्री आवास मिला इसके लिए सबको बधाई मैं देता हूँ। आप लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं है, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया हमारे साथ, मैं इसके लिए गुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। नगर निकाय चुनाव में भी गठबंधन को मिलेगा पूरा सम्मान, संजय निषाद। कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री ने किया प्रतिभाग, कहा पिछली सरकार से प्रेरित अधिकारियों को किया जाएगा ठीक। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही से, जहां प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारी में पार्टी लगी है। भाजपा बड़ी पार्टी है, जहां जहां पार्टी मजबूत है वहां योग्य प्रत्याशी की तलाश की जा रही है। उम्मीद है कि 2022 में जो सम्मान गठबंधन को मिला और नगर निकाय चुनाव में भी मिलेगा। उक्त बातें प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने एक आयोजित पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद प्रेस वार्ता के दौरान कही। देखें ये रिपोर्ट, भदोही से जलाल अहमद की रिपोर्ट। 100 किलोमीटर में निषाद रात का गिरा तो क्या 100 किलोमीटर हो गया क्या? तभी मैंने कहा था जो किला खड़ा नहीं तोड़ा गया, तोड़ने वाले भाई नहीं है वो कसाई है, लेकिन जो किले के बनावा नहीं समझता है क्या? नहीं समझता है, इसलिए ताली बज नहीं पाई। जो किले के तोड़े कसाई भाई बना लेंगे तो खिलाना पड़ेगा, भाई बना लेंगे तो उन्हें घर में बैठाना पड़ेगा, बगल में कुर्सी देना पड़ेगा। अरे जो तुम्हारे झंडे टोपी विचारधारा नारे का विरोध। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां विद्युत नगरी ओबरा सोनभद्र के गांधी मैदान में भक्ति श्रद्धा उत्साह तथा भाजपा एजेंडा प्रचारित बहुउद्देशी और ऐतिहासिक आयोजन सोनांचल महोत्सव में अपनी लोकप्रियता और अभिनय का ऑलराउंडर हुनर दिखाते हुए बतौर कुशल वक्ता और भोजपुरी सुपरस्टार गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन हजारों आत्मी और अभिलाषी भीड़ जुटाने में रहे कामयाब। देखें ये रिपोर्ट, सोनभद्र से संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। कैसा लग रहा है और क्या पर्पज? मैं सोनभद्र की देवतुल जनता को, मैं सांसद रवि किशन शुक्ल गुरु गोरक्षनाथ महाराज की धरती से आके, हमारे पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की धरती से आके, महादेव की धरती से काशी से आके आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। ये अद्भुत पावन धरती है, यहाँ के माननीय सांसद पहोड़ी जी हमारे अच्छे मित्र हैं। मिर्ज़ापुर मैंने भोजपुरी फिल्म की शूटिंग भी की थी, मेरी कुछ यादें भी यहाँ पर हैं। बड़ा सुंदर स्थान है, शूटिंग स्थल है, और आज मैं रमेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास पूरा श्रेय इनको जाता है मुझे यहाँ लाने के लिए। और इनका मन हुआ कि दीपावली पे मैं सोनभद्र की इस पावन धरती की देवतुल जनता मुझे देखे, और ये पूरा प्रयास इन्होंने किया कि मैं कहाँ था, मुझे कहीं से लेके पूरा अपनी व्यवस्था के हिसाब से हमको लेके आए, तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, इस मंच से जुड़े जो आज ये कार्यक्रम होगा, सभी लोगों का साधुवाद। आप मीडिया बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद आप। सोनभद्र यहाँ शूटिंगें हुई, भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग यहाँ बहुत हुई है जी जी, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि यहाँ कैसे इसको और बढ़ावा मिले, सरकार की तरफ से क्या मदद मिलेगी? पूज्य महाराज जी इस पर सोनभद्र के बारे में अक्सर बात करते हैं, और अनुप्रिया जी भी हमेशा अक्सर बात करती हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय यहाँ पर शूटिंग के लिए
टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा होगा। मैं भी यहाँ से जाके संस्कृति विभाग से मिलूंगा और मेरा मन अभी यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सोच रहा है क्रिएटिव लेवल में। जैसे हमने गोरखपुर में बहुत सारी शूटिंग शुरू कर दी है, काशी में हो ही रही है, तो थोड़ा काशी से दूर हिंदी सिनेमा वालों को, वेब सीरीज़ वालों को इस इलाके में भी आना चाहिए, सोनभद्र की तरफ भी आना चाहिए। जैसे मैंने अपनी एक वेब सीरीज़ के यहाँ शूटिंग की थी कंट्री माफिया, वो भी टापू पर की थी, यहाँ पर आगे एक डेढ़ घंटा सोनभद्र में, हाँ एक डेढ़ घंटा लगता है, वो अभी जी पर आएगा वो वेब सीरीज़। तो ऐसे बहुत सारे लोग आने चाहिए, बट उनको बताना चाहिए इसको कि क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ तो कोई खान है, खदान है, यहाँ हीरा छुपा है, नदी ताल तलैया। राजू श्रीवास्तव जी नहीं रहे तो अब उनके अलावा फिर अगला चेयरमैन किसको होना चाहिए और फिर कैसे यहाँ पे फिल्म उद्योग बढ़ेगा? ये तो सरकार पूज्य महाराज जी डिसाइड करेंगे, मैंने इस पे गौर किया ही नहीं क्योंकि मैंने अपने मित्र को खो दिया, तो मैंने उसके बाद मैं कुछ सोचा नहीं। लेकिन आपने ये सवाल किया तो महाराज जी इस पे सोच रहे होंगे, सरकार कुछ ना कुछ तो इस पर निर्णय ले रही होगी। अभी वर्तमान में